हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयकांत एंड वेलकम टू आवर प्रॉफिट एक्सपो 99 यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मिस्टर एस के एम डी अशमूल को, जिन्होंने अपने प्रॉब्लम को वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर किया। इन्होंने जो प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर किया है वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है। ये कह रहे हैं कि इनका जो ब्लॉकचेन का वॉलेट आईडी है वो डिलीट हो चुका है इनके जीमेल अकाउंट से। तो ये किस तरह से अपने ब्लॉकचेन वॉलेट आईडी को रिकवर कर सकें, रिस्टोर कर सकें, हमारा जो आज का वीडियो है वो इसी टॉपिक से है। तो चलिए सबसे पहले हम ब्लॉकचेन के वेबसाइट पे चले जाते हैं। ओके, यहाँ पे जाने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा वॉलेट। आपको क्या करना है, इस वॉलेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉलेट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे, एक अकाउंट क्रिएट करने का, दूसरा ऑप्शन जो होगा वो होगा लॉगिन नाउ। तो हमें कहाँ क्लिक करना है, लॉगिन नाउ पे। लॉगिन नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने लॉगिन का पेज खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वॉलेट आईडी, उसके बाद पासवर्ड। तो जो टॉपिक है कि वॉलेट आईडी अगर डिलीट हो चुका है आपके जीमेल अकाउंट में तो आप किस तरह से उसे रिकवर कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे आना है और यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा व्यू ऑप्शन। आपको इस व्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे थ्री ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। पहला जो बोलता है आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट आईडी, अगर आपका वॉलेट आईडी खो गया हो। दूसरा ऑप्शन बोलता है आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट पासवर्ड, अगर आपका वॉलेट पासवर्ड खो गया हो। या फिर आई हैव लॉस्ट माई 2FA डिवाइस। हमारा जो टॉपिक है वॉलेट आईडी को किस तरह से रिकवर करें, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिमाइंड मी पे, आपको रिमाइंड मी पे क्लिक करना है। रिमाइंड मी पे क्लिक करते ही आपसे आपका जीमेल आईडी और यहाँ पे कैप्चर डालने के लिए बोलेगा। तो चलिए हम अपना जीमेल आईडी डाल के देख लेते हैं। उसके बाद जो कैप्चा है वो आपको डालना है एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, यहां पे एक मैसेज आ जाएगा सक्सेस। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अपने जीमेल अकाउंट पे जाना है। ठीक है, जिस जीमेल अकाउंट से आपने ब्लॉकचेन को क्रिएट किया है, वहां पे आपको ब्लॉकचेन की तरफ से आपका वॉलेट आईडी जो है वो सेंड किया जाता है, फिर से रिस्टोर आप इसे कह सकते हो या फिर रिकवर कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखो हमारे ब्लॉकचेन का जो वॉलेट आईडी है वो यहाँ पे शो हो रहा है। चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये सही में मेरा वॉलेट आईडी है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो अभी इन्होंने भेजा है ब्लॉकचेन वाले में, और जो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है हम उससे मिला लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आता है जब स्टार्टिंग में आप अकाउंट क्रिएट कीजिएगा तो। ओके, तो ये रहा स्टार्टिंग में है ए ए एंड देन इधर है ओ ई। ठीक है, एक मिनट, किधर गया हमारा जो आया हुआ है। हाँ, तो ये है ए ए एंड लास्ट में है ओ ई। उम्मीद करते हैं कि हम आपको ये बताने में सफल हुए कि आप किस तरह से अपने ब्लॉकचेन आईडी को रिकवर कीजिएगा, रिस्टोर कीजिएगा। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में इसे शेयर भी कीजिए, ताकि अगर इस तरह की प्रॉब्लम और भी किसी के साथ है तो उन्हें भी इस चीज के बारे में पता चल सके। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स, अपने डाउट को हमारे साथ शेयर कीजिए। जब हमें लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डाउट है आपका, ये यूनिक है, तो हम उस पर वीडियो बना के आपको वीडियो के थ्रू उसे सॉल्व करने, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, वीडियो के नीचे आप एक और चीज डालिएगा, अगर हमारे लिए कोई सुझाव हो, कोई राय हो, तो वो भी आप हमें जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं आपका जयकांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।